तो यार सॉरी गाइस, अब मतलब हाथी कट हो गया, नींबू छोड़ दिया इसलिए अब अभी फिर उठा रही, देख लो देख लो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम बैक विद द नेक्स्ट ब्लॉग। तो होप करता हूँ कि आप सबको मेरे पिछले ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है, आज कैरा के साथ कुछ शैतानियाँ करने का जी कर रहा है। कल इसने बहुत शैतानियाँ की, तो आज मेरा भी जी कर रहा है कि कुछ शैतानियाँ करूँ कैरा के साथ। तो मेरा भी जी कर रहा है कैरा के साथ शैतानियाँ करने के लिए, तो कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उससे होंगी कैरा के साथ फिर शैतानियाँ तगड़ी वाली। तो अभी तो फिलहाल शॉप पे और चाय पीनी है अभी तो मुझे, क्योंकि चाय खुशबू मेरी चाय लेके आई है। तो एक खड़े होने की कोशिश करती है पर गिर जाती है आजकल। चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में शॉप पे, फिर देखते हैं। प्लान तो मैंने कर लिया है, मतलब दिमाग में ही है मेरे करना क्या है। तो कैरा के साथ आज बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है। तो पी लिया चाय, तो अभी चल रहे हैं शॉप पे। तो कैरा तो अभी सुस्तियाँ मार रही है ना कैरा, चलो कैरा ओके बाय। तो गाइस आ चुके हैं शॉप पे। तो एक्चुअल में ना अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा शॉप से, क्योंकि ये वाली पेंट वाली मशीन के लिए ना एक टैब खरीदना है न्यू। तो अभी थोड़ी देर में जा रहे हैं, फिर लेके आते हैं टैब। और कैरा के लिए भी प्लानिंग करनी है, कैरा को आज एक मतलब है कुछ मज़ेदार चीज़, तो कैरा के साथ वो भी करनी है, क्योंकि ये मशीन बिना टैब के वर्क नहीं करेगी। चलते हैं बाजार और लेके आते हैं न्यू टैब, देखते हैं क्या बनता है। ये रहा टैब, तो ये कर रहे हैं इसे ओपन। तो कुछ ऐसा है, ये मशीन के लिए ले लाना पड़ा, मतलब उस मशीन को चलाने के लिए। तो कर रहे हैं इसको ऑन, अभी तो ऑन ही है। तो चल गया ये भी, चलाते थोड़ी देर में। तो गाइस पहले सोच रहे थे कि कैरा के साथ थोड़े मजे करेंगे, कैरा को डराएंगे, मतलब मेरा डराने का प्लान था कैरा को। तो ऐसी शक्ल देख के डराने का मेरा जी नहीं कर रहा, तो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो चेंज के मुताबिक अब चलना पड़ेगा। तो कैरा के साथ अब कुछ अलग ही तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वो सोच रहा हूँ मैं। वो तगड़े वाला एक्सपेरिमेंट है, वो करेंगे इसके साथ। तो अभी करते हैं थोड़ी देर में इसके साथ स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, फिर देखते हैं कैरा का क्या रिजल्ट आता है। तो मिल गई है एक एलियन हमें, ये रिवो एलियन। एलियन कहाँ जाना बाबू? क्या रहा क्या रहा क्या रहा ने खुद ने टोपी कर ली अपनी, तो ब्लाइंड है अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। तुझे पकड़ रखा था, नीचे जाने के लिए तैयार है, अब देखना कहाँ जाएगी। टिक गई जो कैरा का एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, मतलब विचार है बस, क्योंकि अभी ताजा ताजा पेड़ से तोड़ा है। तो अभी गैस तो आपको हुआ नहीं हुआ, पेड़ से क्या तोड़ा मैंने। तो चलते हैं अभी कैरा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करना है उसकी, चलते हैं करनी है तैयारी थोड़ी सी। तो अभी चल रहे हैं कैरा के ऊपर करेंगे एक्सपेरिमेंट ना। कैरा क्या रहा, वो भी समझ नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्या रहा के सामने जो मर्जी बोलो, क्या रहा क्या रहा के साथ गाइस एक्सपेरिमेंट करना है वो ये। क्या रहा देख भी रही है, तो इसके साथ करना है एक्सपेरिमेंट। तो क्या रहा आज करते हैं रिएक्शन नोट, आज क्या रहा को नींबू खा के कैसा लगता है, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए देंगे। तो क्या रहा को, तो अभी देखते हैं क्या रहा के साथ क्या होगा, कितना मजा आने वाला है कैरा के साथ। तो चलो काटते हैं नींबू। तो ये रहा नींबू, और नींबू काटने जा रहे हैं अब।
फिर देखते हैं क्या क्या रिएक्शन आता है। तो कट चुका है नींबू, अभी देते हैं क्यारा को। ये लो क्यारा, मतलब आज कंट्रोल नहीं हो रही, नींबू छोड़ दिया तो नींबू छोड़ दिया इसलिए अब अभी फिर उठा दिया। देख लो ओ माय गॉड, माय गॉड यार एक्चुअल में ये इतना खट्टा नींबू हमारे बाहर पेड़ पे लगा होता है, इतना ज्यादा खट्टा, इतना ज्यादा खट्टा है कि एक बार के लिए ना अच्छे अच्छों के ना मतलब मैं खा ले रही है, छूस ले रही है, हालत मेरी खराब हो रही है, तो वो वाला सीन है। और क्यारा उसके बावजूद क्यारा को समझ नहीं आ रहा, क्यारा ने इतना खट्टा खा लिया है तो क्यारा भी फिलहाल रो रही है। तो गाइस अभी कुछ ज्यादा नहीं है, पर इतना खट्टा है कि इसके मुंह में थोड़ी देर तक टेस्ट होएगा, तो थोड़ी देर तक इसके मुंह के एक्सप्रेशन ऐसे बनेंगे। देखो क्या रहा, क्या रहा, यार गाइस मतलब इतना सब होने के बाद भी ना क्यारा नींबू मांग रही है। तो यार देख लो इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्यारा फिर नींबू, पानी पिलाना है, तो पानी पिलाना है क्यारा को। तो आज तो पानी बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अभी तक इसके मुंह से स्वाद नहीं गया होगा तो मम्मी थोड़ी देर पहले आते नींबू खिलाया था क्यारा के। तो गाइस क्यारा के जो एक्सपेरिमेंट थे ना तो कहीं ना कहीं अच्छा बन गया। तो ये करना था क्यारा ने, क्यारा ने कल मुझसे पॉटी साफ करवाई अपनी अच्छे से, तो ये एक चीज तो बनती थी ना थोड़ी सी टच। तो क्यारा ने जो भी थोड़ी देर पहले फील किया ना, क्यारा की ये हालत है, क्यारा पानी भी आज शरीफियत के हिसाब से पी रही है। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा ये पानी नहीं पीती, तो आज तो पानी भी खत्म होने को है, तो खिलाना भी थोड़ी देर में क्यारा को रोटी। तो बताया आप सब वैसे मुझे कमेंट करके बताओ कि ये नींबू वाला एक्सपेरिमेंट आप सबको कैसे लगा, अच्छा था या बुरा था या कैसा था या मजाक मतलब एंजॉय आया आपको या कैसा था। तो ये तो पहले भी किया हुआ मैंने, मतलब पहले तो थोड़ा थोड़ा मतलब संतरे के साथ किया हुआ है कि हाँ संतरे के साथ। तो संतरे वाला जो है ना वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाते हैं, संतरे के साथ क्या एक्सप्रेशन आते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि संतरे के साथ क्या एक्सप्रेशन है। तो ये रिवो कल जो बोतल लेके आए थे तो क्यारा भी सारे लग खा रही है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब देखो बच्चे हाथ नहीं लगाते और आराम से खाते रहते हैं, कपड़े भी नहीं गंदे होते हैं ना ज्योति, विप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे आराम से खा लेते हैं ना क्या रहा? तो बस कुछ करना नहीं है, अकेला इसको दबाना है, देखो जैसे दबाते हैं और थोड़ा थोड़ा तुरंत आ जाता है। जैसे कि ये मैं बोतल यूज़ करते हुए दिखा नहीं पाया कल, तो अभी क्यारा यूज़ कर रही है उस बोतल को। तो बेसिकली आज क्या था, क्यारा को खाना नहीं खिलाना था, सारे लग खिलाना था, तो मतलब सारे लग तो सुबह भी खाया इसने, तो इस टाइम खाना नहीं खिलाने दिया इसको, तो इस टाइम सारे लग खाना था इसे, तो इस टाइम इसलिए बोतल से खिला रहे थे ताकि आपको दिख भी जाए कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। ईजी है, ईजी टू यूज़ है, आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो बाकी अभी इसने सारे लग खा लिया है तो थोड़ी देर में अभी सो जाएगी ये। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। तो होप करता हूँ कि आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे और पिछले ब्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे। तो आज तो इस ब्लॉग में क्यारा के साथ मस्ती भी हुई है थोड़ी सी, तो बाकी होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए
अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाता रहूं। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ओके गाइस, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम एंड स्टे ट्यून्ड।